जाएंगे, अमली एतबार से मैदान में होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मदद होगी। ये जो अभी गुर्गे हैं फिरका परस्तों के, इनका वजूद अभी हुआ 1924 के बाद से शुरू हुए हैं, ये बिलों से निकले हैं। हमारा वजूद इस धरती पर तब से है जब से अल्लाह ने सबसे पहले इंसान को पैदा किया। कुछ लोग साबित करते हैं मेडिकली, हमारे भी लोग बोलते कि इस धरती पर सबसे पुराना धर्म हिंदू भाइयों का नहीं है, बल्कि मैं कई बार ये बात अपनी तकरीरों में बोल चुका हूं, इस धरती पर सबसे पहला इंसान मुसलमान था और पहला इंसान जब से है तब से इस्लाम का वजूद, हमारा वजूद, सबसे पहले इंसान मुसलमान थे। और ये वादिये श्रीलंका, जो आज श्रीलंका बना हुआ अलग देश बना हुआ, वहां पर उतारे गए, मुख्तलिफ रिवायात है लेकिन तकरीबन ज्यादा लोग इसी बात को लेते हैं कि वहां पर निकले, वहां पर उतारे गए और उनका जो दीन था दीन कय्यम था। और अल्लाह तबारक व ताला ने दीन कय्यम सीधा रास्ता, सीधा दीन, सच्चा दीन। हिंदू भाई अपने आप को सनातन बोलते हैं, मैं उनको कह चुका हूं कि सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। और उठाओ हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक, आसमान से जमीन पर अगर किसी धर्म का पैगाम आया है तो वह इस्लाम का आया है। सनातन संस्कृत में इस्लाम को बोलते, शाश्वत संस्कृत में इस्लाम को बोलते, स्वभाव नियत करप संस्कृत में इस्लाम को बोलते। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो मुसलमान बनकर पैदा होता है। कुरान का यह फरमान है, अल्लाह के नबी की हदीस का यह वाज़े इशारा है, हर बच्चा मुस्लिम बनकर इस धरती पर पैदा होता। बहुत से लोग अपने अशार में बोलते हैं कि मालिक एक है, इंसान बनाया था, इंसान का है बच्चा, इंसान बनेगा। अगर उनका भारत के अंदर यहाँ के कल्चर को सामने रखकर अगर कुछ बोलना है तो वह अलग बात है, लेकिन अगर ऐसा अकीदा किसी का है तो वह गलत है। इसलिए कि इस धरती पर अल्लाह ने इंसान बनाकर भेजा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका तरीका बना करके भेजा है कि तुम्हारा अकीदा कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा यह होगा कि तुम एक ईश्वरवादी हो, तुम एक अल्लाह, फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, यानी इंसानों को अल्लाह अपनी फितरत पर पैदा करता है। और अल्लाह की फितरत क्या है? अल्लाह की फितरत अकेला और यकता है। पूरी दुनिया के इंसान, पूरी दुनिया का बच्चा पैदा होता है तो वो मुसलमान बनकर पैदा होता है। उसके माँ बाप घंटी बजाते हैं तो वो घंटा बजाने लग जाता है। अगर उसकी माँ कुरान करीम की तिलावत करती है तो वो बच्चा कुरान करीम का देख करके वो बच्चा, उसका अकीदा वैसे ही बनता। बाप नमाजी है तो बेटा नमाजी बनता, देखता है कि हाँ भाई अल्लाह कौन है, हमारे अब्बा नमाज पढ़ते हैं, अजान देते हैं, उसमें अल्लाह का नाम लिया जाता है। और कहीं कहीं बच्चा पूछता है तो बताते हैं, लेकिन अगर पता चला कि अगर वहीं पर तिलक लगाकर जय श्री राम का नारा, भारत माता की जय का नारा अगर लगाता है तो बच्चे वैसे ही करते हैं। वो बच्चे कर्नाटक स्कूल के अंदर कौन है वो, उनके माँ बाप ने क्या उनको तरबियत नहीं दी? धोना पड़ेगा उनको, इसलिए कि परमात्मा ने कहा कि अगर उनको पुरुषो वैदा बनाना है, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदा, तो अपने माँ को, अपने बाप को और अपने गुरुओं को, उन बच्चों की प्रैक्टिकली उनके ऊपर मेहनत करनी होगी। लेकिन उनकी मेहनत नहीं की तो वही उग्र हो गए और एक सोची समझी साजिश के तहत। तो मेरे भाइयों, हमारे साथियों, इस धरती पर हमारा वजूद अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से एक जिंदगी देकर हमें अल्लाह तबारक व ताला ने भेजा, और उस जिंदगी को गुजारना है तो इस कुरान करीम के फरमान के मुताबिक। मैं गुजारिश करूंगा तमाम मुस्लिम भाइयों से, वो इंकलाब पैदा करने की जरूरत है जो यहूदियों ने अपने अंदर अपने धर्मशास्त्रों से जुड़कर उन्होंने जो अपनी जिंदगी उनकी जो बदली गई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपको उनसे इबरत लेकर आप अपने कुरान की तरफ जुड़िए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अपना रोल मॉडल बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए। अगर आपका आपके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत ना हो, मदद ना हो, तो आप फिर हमें कहिएगा मैं आपके करीब का रहने वाला हूं कि मौलाना अब्दुल्ला आप झूठ बोलते। इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, इंशाअल्लाह अमन और शांति का माहौल होगा,
बस वक्ती तौर पर कुछ जालिम लोग आए हैं। हमेशा ये शहर याद रखिएगा कि जब खून टपकता है तो वह जम जाता है और जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ता है तो मिट जाया करता है। रमैया, इसी से रमैया का मतलब होता है वास, रुकना, वास करना, स्टे करना। टू स्टे इन अ होटल, टू स्टे इन अ रेस्टोरेंट, टू स्टे इन हाउस, टू स्टे कहीं पे भी इन पर्टिकुलर प्लेसेस, वही मतलब। रमन्ते तत्र देवताः, उनकी किताबों में, वो आसाम के बेलगाम घोड़े आपकी किताबों में पढ़ना। नाम तो मुझे याद नहीं है, उनका भेज करके दिया हमको, वहीं गए प्रोग्राम में तो उन्होंने हमको एक वो दिखाई वीडियो क्लिप, 9 मिनट की है वीडियो, बक्के जा रहे क्या कि जी कल्चर नहीं आने देंगे, औरत है तो ठीक है। भारत के संविधान का 1955 का जो एक्ट बना है, औरत हिंदू मैरिज एक्ट जो बना है, उसमें पढ़ करके देखो, वहां पर हिंदुओं के लिए ओनली वन शादी, वन मैरिज, उसके साथ साथ में वुमेन की इज्जत की सम्मान की बात कही गई। नहीं मानते हैं, न तो ग्रंथ को मानते हैं और न संविधान को मानते हैं, न भारत के संस्कृति को मानते। बोलते हैं कि हम भारत के संस्कृति को नाफिज करना चाहते, हम भारत के संस्कृति को बचाना चाहते। क्या संस्कृति है भारत की जी? यही संस्कृति है कि बेटी की इज्जत हो, बेटी के पीछे खामखा चीखते और चिल्लाते रहो, बेटियां पढ़ने के लिए जाएं असाइनमेंट लेकर तो पीछे पागल कुत्तों की तरह लग जाओ भौंकने के लिए। यह संस्कृति है भारत की? हम संस्कृति को बचाने का काम करते। अभी दो रोज पहले भोपाल का एक नौजवान टोपी और दाढ़ी वाले ने रेल के नीचे कूदकर एक बेटी की जान बचाई। कौन थी वो बेटी? हमारी बेटी, मुस्लिम की बेटी नहीं, भारत की बेटी थी, हिंदू लड़की थी वो, हमने बचाया। हम नहीं करते इस भेदभाव को, आगे नहीं लेकर जाना चाहते, लेकिन ना आप बिलीव करते हो अपने ग्रंथों में, ना तो आप बिलीव करते हो अपने संस्कृति पर। संस्कृति को हम ही बचाते, हम ही चाहते कि जो संस्कृति है हमारी भारत की वह आगे बढ़ जाए, अमल होना चाहिए उस पे। हम अगर मानते हैं तो अल्लाह के फरमान के सामने हम अपने आप को झुका देते हैं। हमारी बेटियां अगर पर्दे में हैं तो वो सिर्फ ये कहेंगी कि इस्लाम का ऑर्डर है, अल्लाह का कुरान का ऑर्डर है, इसीलिए हम उस कुरान के ऑर्डर को फॉलो करते। सिर्फ कुरान का ऑर्डर, हम हैं वफादार अपने कुरान के, अपने अल्लाह के, तुम वफादार नहीं हो अपने ईश्वर और भगवान के। मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेकर आज तुम्हारी दुकान चलती है, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम बेच बेच कर गद्दियों पर बैठते हो और बेटियों का, औरतों का, नारियों का, बहनों का, उनकी बेइज्जती करते हो, कीचड़ उछालते हो। हम हैं वफादार अल्लाह के भी और भारत के भी। दीनी मैदान में आओ तो 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते। अल्लाह के वफादार की बात अगर तुम करते हो तो हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करते। हम अपना आखिरी नबी, अंतिम जगत गुरु मोहम्मद को मानते। हमारी पूरी कोशिश और पूरी मेहनत होती है कि हमारे नबी खुश हो जाएं और उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी हम गुजारें, उनके जरिए से हम अल्लाह को राजी कर पाएं। हम अगर जुबान से बोलते हैं तो हम अमल करने की कोशिश करते। तुम जुबान से कुछ और बोलते हो और अमली एतबार से तुम्हारे कुछ और इकदाम होते। नामते लेते हो अपने परमात्माओं का, अपने खुदाओं का, मर्यादा पुरुषोत्तम का, लेकिन काम तुम्हारे ऐसे गंदे होते हैं कि कभी भी परमात्माओं ने, उन महापुरुषों ने, उन देवताओं ने
कभी भी उन्होंने ये सोचा तक नहीं होगा कि मेरे बाद दुनिया के अंदर ये लोग ऐसी इतनी गिर जाएंगे कि कुर्सियों के लिए झूठ बोलेंगे। मुनाफकत, हिपोक्रेसी, जुबान से कुछ और अंदर कुछ और। सब कुछ समझते हैं हम इस कुरान को, पर्दा कुरान का ऑर्डर है। इट्स नॉट अ कल्चर, इट इज नॉट द फैशन ऑफ द क्लॉथिंग, इट इज ओनली साइन ऑफ मॉडेस्टी इन द सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के अंदर यह सिर्फ कपड़ा पहनने का जनाब एक फैशन नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का फरमान है। और उसके साथ साथ हम एक पैगाम समाज के अंदर देना चाहते हैं, उसको बैलेंस रखना चाहते हैं कि यह औरत है, पहचान जाए कि भाई यह औरत है। औरतों को जींस पैंट पहना दो, बाल खोल दो और एकदम फिटिंग की टी शर्ट पहना दीजिए, उसको मर्द बनाकर मर्द के सामने मिलाकर खड़ा कर देते हो। क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप? औरत है, उनकी जगह उनकी पैलेस, उनकी जगह उनकी इज्जत, उनका सम्मान अल्लाह तबारक व ताला ने उनके हद में रखी। मेरे भाइयों, हमारे साथियों, कई जगहों के ऊपर यह बात हम कह चुके हैं और उलमाए किराम कहते भी, यकीनन आज हम मुसलमानों की अपनी शरीयत पर, कुरान पर गिरफ्त कम होने की वजह से आज वो लोग दंदना रहे हैं वक्ती तौर पर, लेकिन हमें यकीन है कि आएगा हमारा वक्त भी। ये वक्त तुम्हारा है, हमारा भी वक्त आएगा, जो अमन का माहौल होगा पूरी दुनिया के अंदर। भारत की बात नहीं कर रहे हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कुरान वाले हैं, हम दीन शरीयत वाले। और दीन और ये शरीयत सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये कुरान सिर्फ भारत के लिए नहीं, ये कुरान जगत, पूरी जगत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, हुदल लिन्नास पूरी दुनिया के लिए। कोई भेदभाव इस कुरान में नहीं। आओ तुम पढ़ सकते हो, आपके ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ सकता। रका बरस अल्लो अल्लामा मुकर्रब बनाया अल्लो अल्लामा, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दुश्मनी छोड़ो, रिसर्च करने की कोशिश करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो और देखो, वहां पर हमारे सारे अहकामात आपको मिल जाएंगे। हम अगर नमाज पढ़ते हैं तो आपके ग्रंथों के अंदर हमारा नमाज मौजूद है। हम अगर रोजा रखते हैं तो आपके ग्रंथ के अंदर वो रोजा मौजूद है। हम अगर पर्दा करते हैं तो आपके ग्रंथों के अंदर वो पर्दा मौजूद है। हम अगर एक अल्लाह को मानते हैं तो एक अल्लाह का पैगाम आपके ऋग्वेद के पहले मंत्र के अंदर मिल जाता है। हम अगर मोहम्मद को आखिरी नबी मानते हैं तो आपके ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और जनाब पुराण में, उपनिषद में, फिर रामायण में, फिर महाभारत गीता में, पहले वेद, फिर पुराण, फिर उपनिषद, उसके बाद फिर ये सारी छोटी किताबें, ये रामायण, महाभारत, गीता, इन किताबों के अंदर हमारे नबी के आखिरी होने की पेशीन गोई मौजूद। देख लो जाकर, प्रूफ चाहिए तो मैं पढ़ दूंगा एक एक मंत्र, बता देंगे हम। हम अगर नबी को आखिरी मानते हैं तो कुरान करीम के कुरान करीम के फरमान की वजह से, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबियीन, कुरान है। अब पूछो उस आसाम के बेलगाम घोड़े से, उसकी जुबान में ताले लगने चाहिए, गंदे गाली बकता है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अक्दस पर। नबी को आखिरी मानते नहीं चलेगा तुम्हारे नबी का। हम कहते हैं नबी का तो नहीं चलेगा, अंतिम महर्षि का तो चलेगा। तो अंतिम महर्षि का दूसरा नाम इन अरबिक लैंग्वेज द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब है नराशंस का? नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गा दव सवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्दा इदम जना उपशुरुत नर आशंस। नर मीन्स इंसान,
आसन से जिसकी तारीफ की गई हो और इसी को अरबिक के अंदर लेकर जाओगे तो क्या बनेगा? मोहम्मद बनेगा। और आखिरी नबी का सबूत कहां से है? उठाइए भविष्य पुराण के अंदर बाजाबता साइन ऑफ प्रूफ बयान किया गया है, लिंक चिदी शिखा हिना शिमत सरोधारी सदोशका उच्चला पी भविष्यति। आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और वहां के एक एमएलए साहब ने कहा कि हम तुम्हारे अजान को चेक करेंगे, अगर परमिशन होगी तो ठीक है, नहीं तो उतरवा देंगे। कहां से उतारोगे? मस्जिद के मिंबर से, मस्जिद के मीनारे से आप लाउड स्पीकर को उतारोगे, लेकिन महाभविष्य पुराण के मंत्र से अजान की सदा को कैसे निकालोगे जिसमें कहा गया उच्चला पी, ऊंची आवाज में पुकारने वाले उच्चलापि भविष्यति जनूमं विना कौलम पश्वस्ते शाम भक्षयामताम मुसलने वसंसकारा कौशेरि भविष्यति। यह अंतिम महर्षि, यह आखिरी नबी का पैगाम है कि नहीं इस मंत्र में, उस श्लोक में? और देखिए अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानी धत्ता इल्ले वरुणो मित्रस्ते जस कामया होतार भिंदरो होतार मिंदरो महासुरिंदरो। क्या कहा गया? अस्मल्लाम इल्ले अल्लो रसूल महामद रकाबरस अल्लो अल्लामा। आखिरी पैगाम है कि नहीं है आपके इस मंत्र के अंदर? बताइए जरा आप ईमानदारी से। अगर हम कहते हैं हमारा कुरान कहता है के मुसलमानों या आखिरी दिन अल्योम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। फाइनल इस दीन का डिफिनेशन है और इस दीन के मुकम्मल और ताम होने पर अल्लाह तबारक व ताला का फाइनली मोहर लगा दी गई। आपको यकीन नहीं होता और करोगे भी नहीं जनाब, क्यों? क्योंकि कहोगे तो ये तो कुरान है, ये तो अरबिक में है और ये अरबी अल्फाज हैं, न मालूम क्या कहा गया हो। कुछ नहीं कहा गया, इस धर्म के आखिरी होने का संकेत नहीं, मोहर है। और आपको यही चीज, यही पैगाम आपके शास्त्रों के अंदर यज्ञम पर छुछाम यवम सतदतूतो निवोस्ति कबरितम पूर्वियम गतम कस्तद्य विभारती वहां पर मौजूद, वहां पर देख लीजिए। ये जितने भी लोग हैं जो अनाप शनाप बकते हैं, जो मन में आ जाए बक देते हैं, हमारे मौका लगे अगर कभी तो मेरे सामने अगर खड़े हो जाएं तो सच में मैं इनको ऐसा कर दूं कि ये भागने पर मजबूर हो जाए, भाग ही नहीं पाए, जवाब दो तब भागना। पूर्णिया के अंदर एक प्रोग्राम था, पूर्णिया से आगे थोड़ा, एक आदमी थोड़ा काश्तकार टाइप का लिख कर के लेकर के आया वो हमारे पास, हमारे सामने में, कि मौलाना इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, आपके सामने में भगवान का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। हमने कहा कि भगवान का अर्थ क्या, ईश्वर का अर्थ क्या है, अल्लाह की तारीफ क्या, कुरान करीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। हमने कहा कि ये अल्लाह की तारीफ है। और भगवान का अर्थ जानना चाहते हो, ईश्वर की तारीफ जानना चाहते हो, तो ईश्वर की तारीफ है एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेना नास्ते किंचन। बोला कि नहीं, इतने सारे हैं, इतने अनेक हैं, अनेक हैं, कहां गया आपकी किताबों में फना फना, कोई भेजा उसको? हमने कहा कि भाई ईश्वर के बारे में तुम्हारा यही अकीदा है ना कि वो मुजस्सम होते हैं, मुजस्सम, इसीलिए आप लोग बुतों को पूजते हो, तो नतस्य प्रतिमास्ति का क्या मतलब है कि उसकी कोई बॉडी, उसकी कोई शक्ल नहीं होती? हमने कहा वी बिलीव इन कुरान, वी बिलीव इन कुरान एंड वी विल सेक्रीफाइस बाय दिस कुरान बिकॉज ऑफ दिस कुरान। सीने में कुरान है हमारे बच्चों के और हमारे भी, कुरान का जो ऑर्डर होगा, अल्लाह का जो ऑर्डर है, वो इस कुरान करीम की शक्ल में मौजूद है। पूरी दुनिया की ताकत मिला लो, ये कुरान मिट नहीं सकता। कोशिशें की थी जनाब, अंग्रेजों ने भी कई जगह कह चुका हूं कि 1860 से लेकर 63 तक 300,000 कुरान करीम के नुस्खे जलाए गए थे, जलाने की कोशिश की गई थी, आज फिर कोशिश की जा रही और पूरी ताकत के साथ इस कुरान को मिटाने की। तुम कुरान मिटाने की कोशिश करो, इंशाअल्लाह इस तरह के मदारिस में 9-9 हाफिज कुरान बनते जाएंगे, तुम कुरान के नुस्खों को जला सकते हो। हमारे 9 बच्चों के सीनों को कैसे जलाओगे, तुम्हें सोचने पर मजबूर होना होगा। तुम इन नुस्खों, इन सीनों को नहीं जला सकते, इन सीनों से कुरान की मोहब्बत को नहीं निकाल सकते। और उन्होंने क्या कहा, हमारा भारत, हमारे भारत में
तुम्हारे कल्चर को नाफिस नहीं होने देंगे। कौन सा तुम्हारा भारत, तुम्हारा तो वजूद नहीं था जब हम अंग्रेज से लड़ने के लिए जब हमारी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले लड़ाई किसने की बताइए ना, आसाम के जनाब स्वामी जी, आसाम के स्वामी जी माने जाते हैं वो। अगर मेरी ये तकरीर उनकी कानों तक पहुंचे तो बेटे आप जवाब बनाकर वीडियो के जरिए से मुझे इरसाल करना, मुझे भेजना, मेरा नंबर चाहिए तो मीडिया वालों से मिल जाएगा। बताओ तुम्हारा ये भारत कैसे है। सबसे पहले अंग्रेज से मुकाबले के लिए कलकत्ता के अंदर उनके ऑफिस को तोप लगाकर तोड़ने वाला अगर कोई था तो उसका नाम अली वर्दी खान था, मुसलमान था, 1755 के अंदर। उसके बाद उनकी उनका इंतकाल होता तो 1755 में 1757 के अंदर तो उनके उनके नवासा नवाब सराजुद्दौला मैदान में नजर आते। उसके बाद जरूरत पड़ती है तो लड़ाई के लिए तो 1799 में इस देश का शेर मुजाहिद फतेह अली खान टीपू सुल्तान वो मुकाबला करता। तुम्हारा तो वजूद नहीं था, तुम्हारे तो तीन पुश्तों का वजूद नहीं था। आज जिनके जरिए से तुम इस देश में दावा करने की बात करते हो, हमारा भारत, हमारा भारत, कौन से भारत की बात। 65,000 मुसलमानों के फ्रीडम फाइटर, 65,000 स्वतंत्र सेनानी इंडिया गेट में नाम हमारे लिखे हुए हैं, हमारे इन टोपी और दाढ़ी वालों के नाम लिखे हुए हैं। 1799 में आखिरी बाड़ी पर खड़े होकर जनरल हॉर्स ने कहा था टीपू सुल्तान के, आज से ये देश हमारा। सबसे पहले खून किसने बहाया था, यही कलमा पढ़ने वाले ने बहाया था, यही कुरान करीम के पढ़ने वाले ने बहाया था। जिस दिन टीपू सुल्तान की शहादत हुई उस दिन भी दो पारा कुरान करीम की तिलावत करके मैदान कारजार में वो मुजाहिद आजम गया था। ये कुरान से पावर और ताकत मिलती है। अंग्रेज अगर लड़े हैं किसी जमात से डरे हैं तो जो आप देख लो तारीख पानीपत की, वहां के एक बड़े वो गूंगे और बहरे मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को कहता है इन मुसलमानों को एनर्जी कहां से मिलती है, ताकत कहां से मिलती है, हर दूसरे दिन तलवार लेकर मेरे सामने में खड़े हो जाते, जरा बताओ तो सही। उन्होंने कहा कि इनके बीच में जब तक कुरान है, इनके सीनों में जब तक कुरान की मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत ना तो इनको झुका सकती है न इनको डरा सकती है। हम इन कुरान की ताकत को लेकर आगे बढ़े थे तभी जालिम अंग्रेज का खात्मा इस देश से हमने किया था। याद करो उस वक्त को जब 1806 के अंदर 1831 में पानीपत और मालाबार और जनाब ये बालाकोट की पहाड़ियों में शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाही अलैह, सैयद अहमद बरेलवी शहीद रहमतुल्लाही अलैह, ये जब गए थे अपने 51 लोगों को साथ लेकर शहीद हो गए, दफन हो गए, कहां था उस वक्त तुम्हारा आरएसएस, कहां था उस वक्त तुम्हारा बजरंग दल, कहां था उस वक्त तुम्हारा हिंदू महासभा, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे, उस वक्त तुम्हारा वजूद नहीं था। आज इस देश में डिक्टेटरशिप के जरिए से दावा करते हो कि यह देश मेरा है, उस वक्त कहां गए थे जब 10,000 उलमाए किराम को गाय के खाल में बांध कर आग के हवाले किया जाता था। टॉमसन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ो, उस वक्त तुम्हारा वजूद कहां था जब 1857 में शामली की जंग लड़ी गई थी। इन्हीं कुरान करीम के पढ़ाने वाले मौलाना कासिम नानोतवी के कनपट्टी पर गोली लगी थी, उस वक्त तुम्हारे दादा भी नहीं थे, उनका बीज भी नहीं डला था, उस वक्त उनका वजूद तक नहीं था। 1857 की जंग जिनके कमांडर बने थे बहादुर शाह जफर, इस पादाश में मौलाना रशीद अहमद गंगोही जेल भेजे गए, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल भेजे गए, मौलाना जनाब जाफर थानेश्री हाफिज जामिन शहीद, मैं नाम गिनाऊंगा तो अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस बेजुबान बेलगाम घोड़े को कि बोलता हमारा भारत, हमारा भारत, कहां से तुम्हारा भारत है, मिला मिला मिल गया, कब पैदा हुए, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 1925, जब इस देश में सब कुछ नॉर्मल हो चला था आहिस्ते आहिस्ते। सारी जंगें कौन लड़ी, तहरीक रेशमी रुमाल तुम्हारे दादा ने चलाया, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी 1919 में, 1929 में तुम्हारे दादा परदादा ने उसके बुनियाद रखे, पूरे भारत के अंदर टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नाम आया किसका, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी का। बताइए
सब कुछ तो हमारा, और फिर क्या बोलते, हमारा भारत, हमारा भारत। जिस वक्त मौलाना उलमाए कराम कहाँ थे, जजीरा अंडमान निकोबार, काला पानी की सजा वहीं होती थी ना, वहां थे, तो उस वक्त तुम्हारे गुरु कौन, जिन्हें बोलते हो वीर सावरकर, वीर तो नहीं था वो, बुजदिल था वो, इसलिए बुजदिल था क्योंकि इस देश के दुश्मन अंग्रेजों को 303 खत लिख चुका था वो, क्या कि सर आई वांट टू सरेंडर, आई वांट टू फॉलो यू, आप हमें हुक्म दीजिए हम आपकी बात मानेंगे, आई विल बी सर्वेंट, मैं आपका गुलाम बनने के लिए तैयार हूं, हमें माफ कर दीजिए, जेल से लिखा, जेल से। अब वहीं पर देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाही अलैह जेल में बंद हैं, बीवी का इंतकाल होता है, खबर पहुंचती है कि 3 दिन के लिए आप जा सकते हैं, जाइए। उन्होंने कहा कि भीख में मुझे तुम्हारा 3 दिन नहीं चाहिए। कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, कहा कि बीवी का इंतकाल हुआ है, सबको जाना है, सबको इंतकाल, सबका इंतकाल होना है, आई डोंट नीड, मुझे जरूरत नहीं है, बीवी से नहीं मिलेंगे, आखिरी अंतिम दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर कहा कि हौज कौसर पे मुलाकात हो जाएगी, किस लिए, इसी भारत की आजादी के लिए, हमारा है यह भारत, तुम्हारा नहीं है। हम थे जब तो 27% जीडीपी थी, और आज आप आए हो इख्तदार में तो कितनी जीडीपी है, 3%। लो जनाब सब कुछ को बेच दिया, शर्म आती है भारत का नाम दूसरे मुल्कों के अंदर लिए हुए लेते हुए, इसलिए कि चूंकि ऐसी सिस्टम बना दी, इतना खूबसूरत डेमोक्रेसी है भारत की, जमहूरियत है, आईन है, इतना अच्छा खूबसूरत, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क हमारा माना जाता, लेकिन यही कुछ गुर्गों की वजह से और आईटी सेल के कुछ बदनीयत वर्करों की वजह से हमारी अच्छी सभी धुंधली होती चली जा रही। हम नहीं बोल रहे तो इसका क्या मतलब, हमारा भारत, हमारा भारत, भारत सबका है, हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, हिंदू का भी, मुसलमान का भी, सबका है, सबने कुर्बानियां दी है, लेकिन ज्यादा कुर्बानी हमने दी है, इन्हें कुरान करीम के पढ़ने वालों ने दी। इस कुरान से एतराज है तो इस कुरान में क्या है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सबसे पहले यही, पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम है, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम, गायत्री मंत्र में तो वही पढ़ते हो ना तुम, इस कुरान में क्या, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर् वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, पढ़िए क्या मतलब है इसका। उसके बाद इस कुरान का प्रमुख, इस कुरान का बेटर, इस कुरान का फोर्स, अकीदा बढ़िया करो, एक अल्लाह को मानो, वही बाग कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, यही है आपके ब्रह्मा सूत्र, ब्रह्मा सूत्र को जाने और पढ़े बगैर हिंदू ही नहीं हो सकते आप। ब्रह्मा सूत्र के एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवम अद्वितम, यही है कुरान कहता है, इबादत करो, इया का नाबुदो इबादत करो, ये कुरान में ये इबादत का वर्णन आपके ग्रंथ में, तस्यते भक्तिवान से श्यामा समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम, अब से पहले दुर्गापुर में मैंने इस मंत्र की तशरीह की थी, समम काय शुरू गिरीवा धारयन्न चलम स्थिरता ऐसे शांत।